हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ऑलरेडी 25% सिलेबस इस साल भी रिड्यूस्ड है और इस टॉपिक में हमें दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, मीन्स हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, मान लो एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन, सेकेंड पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू वाई टू। तो बेटा, हमारा टारगेट है, हमें ए और बी इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब जो सेकंड पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और जो फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है और उस ब्रैकेट का स्क्वायर कर देना है। आप चाहो तो x1 वन माइनस एक्स टू ब्रैकेट स्क्वेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर होने की वजह से अगर वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस y2 टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वेयर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो बेटा, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, जिसमें दो पॉइंट्स है पॉइंट ए, मान लो पॉइंट ए यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स है टू थ्री, एंड सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4 1, और हमें ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, इसे हम एक्स वन वाई वन कंसीडर कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट ए टू थ्री। इसका मतलब होता है एक्स वन की वैल्यू 2 है और वाई वन की वैल्यू 3 है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, तो इसे हम एक्स टू वाई टू कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट बी, और वो हमें दिए गए हैं 4 1। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपके पास फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने जो देखा था वो यहाँ पे लिखना है, डी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ, नाउ एक्स टू, एक्स टू मीन्स 4 माइनस एक्स वन मीन्स 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 means 1 minus 3 bracket square। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, रूट ऑफ, नाउ 4 minus 2 2 square प्लस 1 minus 3 minus 2 square, right? So therefore next term will be 2 square is 4 plus minus 2 square is also 4, so you are getting रूट ऑफ 8। तो 8 किसका कॉम्प्लीट स्क्वायर है नहीं, तो 8 को हम क्या करेंगे, इस तरह से भी लिख सकते
डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, तो ये फोर जो है ये अगर रूट के बाहर निकलता है तो इसे हम टू लिखते हैं, टू रूट टू। ठीक है, इसका कुछ उन्होंने हमें डिस्टेंस का कुछ दिया और उन्होंने ये यूनिट, तो हम उसे यूनिट्स लिखते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द ए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पी और क्यू दिया गया है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है -5, 7 और यहाँ से एक पॉइंट निकालेंगे क्यू जिसके कोऑर्डिनेट -1, 3 दिए गए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू में जो डिस्टेंस है वो। तो सबसे पहले लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट that is equals to -5, 7. Similarly, coordinates of point Q and that is x2, y2 that is equals to -1, 3. उसके बाद लिखना है by using distance formula बेटा डिस्टेंस फार्मूला में होता है d रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन pq इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देना है, x2 कितना है, x2 मींस -1, सो -1 माइनस x1 इज -5। तो बेटा ये -5 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस इनटू माइनस डायरेक्टली प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो माइनस माइनस इट विल बी +5 ब्रैकेट स्क्वायर। ये सिर्फ समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे जो x2 आपको दिया गया है ये है -1, हमने -1 यहाँ पे लिखा है, उसके बाद जो आपको x2 दिया गया है, ये जो x2 था ये -1 है वो हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद जो x1 दिया गया है वो है -5। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है इसमें एक माइनस है, तो ये माइनस और ये x1 का एक माइनस, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे बन जाता है प्लस, प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, नाउ y2 इज 3 माइनस, और y1 यहाँ पे दिया हुआ है आपको y1 मीन्स 7, 3 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। तो अंडर रूट ऑफ -1 + 5 बन जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर, 3 - 7 बन जाएगा -4 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 16, -4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16, रूट ऑफ 16 + 16 विल बी रूट ऑफ 32, तो 32 तो किसका कॉम्प्लीट स्क्वायर है नहीं, इसलिए ये जो 32 दिया गया है इसे हम रूट ऑफ 16 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 जो है ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये जो रूट 16 बाहर निकलकर आएगा तो ये बन जाएगा 4 रूट ऑफ 2, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू विल बी 4 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो।